हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, आज जो ना हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित न्यूज की। वैसे मैंने आज शुरुआत करी है इस एक पिक्चर से जो कि आप काफी फेमिलियर होंगे। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं कहीं ना कहीं आपको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे कहीं ना कहीं आपको ये पिक्चर जरूर दिख गई होगी। यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे इटली देश की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और यहाँ पे हमारे मोदी जी। जब आप इनको ट्विटर और दूसरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो यहाँ पे मोदी प्लस मेलोनी, ठीक है, तो इनको बोला जा रहा है मेलोडी, ठीक है, सी ट्रेंड कर रहा है। तो यहां पे देखा क्या जा रहा है, बेसिकली दो लोगों के बीच की दोस्ती, राइट, और इसके अलावा दो देशों की दोस्ती, ठीक है। यहां पे जो है इंडिया और इटली के रिलेशन बीते कुछ दिनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं। जब से यहां पे मेलोनी जी है यहां पे इटली की प्राइम मिनिस्टर, जब से वो इंडिया की विजिट पे आई है उसके बाद से जो इंडिया में यहां पे इंडिया और इटली के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और यहां पे जो पिक्चर है जहां पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जिस टाइप की सेल्फी है, ये काफी वायरल हुई है ट्विटर पे। इसको करीब 45 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि किसके द्वारा पोस्ट की गई थी, मेलोनी जी के द्वारा, ठीक है। अब देखो, इस सब न्यूज़ के चलते ही ना, इस सब वायरल न्यूज़ के चलते ही एक न्यूज़ निकल के आती है और वो ये कि इटली ने विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, ठीक है, जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उससे इटली ने एक तरीके से विड्रॉ कर लिया है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि जो इटली है ना वो G7 ग्रुप की एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने क्या कर रखा था, यहां पे चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रखा था। आपको पता ही है चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, जहां पे ये दूसरे देशों को लोन देता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है और कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटिव नेचर है इसका पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और अभी धीरे धीरे कंट्रीज जो हैं यहां से, मतलब चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकलती जा रही हैं, और अभी इटली आपको दिखाई दे रहा है जाता हुआ। इसके अलावा यहां पे आप देखोगे अब जो है इंडिया के साथ जो है इटली के रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग हुए हैं। और यहां पे इटली इसलिए भी इंडिया के साथ खुश है क्योंकि इंडिया ने, आपको पता है कि यहां पे एक IMEC करके जो है डेवलप किया है जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया जो है यहां से ट्रेड करेगा, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो यहां से इंडिया ट्रेड करेगा और यहां पे सऊदी अरेबिया, ठीक है, बाकी दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे कि UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, इसके अलावा इजराइल हो गया, इटली हो गया, यहां पे फ्रांस, जर्मनी, इन सभी बड़े देशों ने ना यहां पे क्या किया है, इस इंडिया का जो IMEC है, ठीक है, IMEC जो है इंडिया ने एक तरीके से ज्वाइन कर लिया है। और ये जो IMEC है ये किसको मात देगा, ये देगा BRI को, ठीक है, कहीं ना कहीं BRI को मात देगा। और अभी तक आप देख सकते हो काफी बड़े बड़े देश जो है इसके साथ, इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। इनफैक्ट जो इटली होगा ना वो एक तरीके से गेटवे होगा, ठीक है, इटली जो है गेटवे होगा इंडिया के लिए टू ट्रेड इन यूरोप, यूरोप के अंदर ट्रेड करने के लिए इंडिया जो है इटली को एक तरीके से गेटवे की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इटली को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इन सब के चलते ही इटली ने कहा चाइना को बाय बाय, क्योंकि यहाँ पे वो अब किसके साथ जुड़ेंगी, IMEC के साथ जुड़ेंगी, इंडिया का जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके साथ जुड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा इटली ने इंडिया के, सिंस मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और इटली के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया और इटली ने अभी एक पैक्ट भी साइन किया है जहां पे वो डिफेंस कोऑपरेशन में एक यहां पे संधि कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है अगर बात करें इटली की तो देखो वैसे ये साइज में काफी छोटी है, ठीक है, यहां पे आप कंट्री देखोगे ये आपको इटली दिख रही है फ्रांस के पास में, ये देखो ये है आपकी इटली, ठीक है। अभी इटली देखने में काफी छोटी है साइज के अंदर, लेकिन ये कंट्री काफी पावरफुल है, वो कैसे मैं भी आपको बताता हूं। तो देखो यहां पे अगर बात करें इसकी GDP की, ठीक है, अगर बात करें इसकी GDP की तो GDP के मामले में इटली जो है 8वें नंबर पे आती है, ठीक है, इंडिया जो है किस पे आता है, 5th नंबर पे आता है इंडिया, यहां पे आप देख सकते हो इंडिया 5th नंबर पे है और यहां पे जो इटली है वो कितने में, 8th नंबर पे आती है। और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, करीब 5 करोड़ की इनकी करीब पॉपुलेशन है, लेकिन यहां पे जो है इटली, आप ये देखो कि ब्राजील और कनाडा जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा जो है इनकी ऊपर है, क्या इनकी जो यहां पे GDP है वो। अब देखो यहां पे एक और, जो हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे थे ना, तो यहां पे एक और चीज है कि इटली वो सबसे बड़े देशों में आता है जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस, ठीक है। यहां पे देख सकते हो आप ग्लोबल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मेजर आर्म्स बाय द लास्ट 10 एक्सपोर्टर, जो 10 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन के, उसके अंदर एक इटली भी है। और आप देखो यहां पे सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है US, जो कि 40% एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद आप रशिया को देखते हो 16%, ठीक है, और फिर कहीं जाके आप इटली को देखते हो 3.8%, ठीक है, और ये किससे ज्यादा है, यूनाइटेड
किंगडम से भी ज्यादा है, साउथ कोरिया से भी ज्यादा है, इसराइल से भी ज्यादा है। तो अब आप देख रहे हो कितनी सारी कंट्रीज से ज्यादा है इटली की पावर। इटली जो है कितने बड़े लेवल पे आर्म्स एंड एमिनेशन का जो है एक्सपोर्ट करता है। अब देखो आगे, तो यहाँ पे अब जो है क्योंकि इटली और मतलब इंडिया के लिए इटली का साथ होना और इटली के लिए इंडिया का साथ होना, वाइस वर्सा कहने का मतलब, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आईमैक है इंडिया का इनिशिएटिव, इसके थ्रू ही अब जो है यहाँ पे इटली भी इसको ज्वाइन कर लेगा और ऑलरेडी काफी बड़े देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया है इंक्लूडिंग इसराइल। लेकिन ये फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा बंद है क्योंकि आपको पता है कि इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए चीजें थोड़ी सी हॉल्ट पर है, ठीक है। पर उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वॉर खत्म हो और फिर से जो है आईमैक जो है इंडिया का फिर से क्या हो, रिज्यूम हो और फिर से ट्रेड जो है पॉसिबल हो पाए टू द ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये है हमारी आज की न्यूज और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी न्यू मतलब मैं वीडियो लेकर आया जिसमें मैंने आपको केवल अपडेट दिया कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है यहां से इटली कह चुका है इनको अलविदा फिलहाल। लेकिन अगर अभी आप देखोगे ऑन पेपर्स तो ये आपको दिखाई देगा कि अभी भी जो है BRI का पार्ट है कौन, इटली, लेकिन ये 2023 में कर देगा एग्जिट, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है और इसी तरीके की वीडियोस को और पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन दबा देना सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इन केस अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करने के लिए और स्टडी मटेरियल। एंड मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे ना करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होते हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट बाय क्लिकिंग एंड डाउनलोडिंग दिस पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। मैं आपका काम आसान करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक डाल देता हूँ, वहां पे जाके इसको क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जो है अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।